भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आई हो रहा है और लोग विजेताओं को जानने के लिए उत्साहित हैं इस साल इस अवार्ड समारोह का अहम हिस्सा रही माधुरी दीक्षित उन्हें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑन ऑफ इंडिया आई में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान मिला है अवार्ड मिलते ही माधुरी दीक्षित काफी भावुक हो गई उन्होंने इंडस्ट्री में अपने 38 साल पूरे होने पर एक इमोशनल स्पीच दी उन्होंने कहा मैं इंडस्ट्री में अड़तीस साल से हूं मैंने कुछ बेहतरीन निर्देशकों के साथ काम किया है मेरे लिए यह एक परिवार की तरह था और मुझे सही समय पर सही मौका मिला उन्होंने आई के बारे में कोंकणी भाषा में बात की केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित होने पर माधुरी दीक्षित की प्रशंसा की अनुराग ठाकुर ने एक्स को लिखा और लिखा सभी युगों की एक आइकन माधुरी दीक्षित ने चार अविश्वसनीय दशकों से अद्वितीय प्रतिभा के साथ हमारी स्क्रीन की शोभा बढ़ाई है उत्साहपूर्ण निशा से लेकर मनोरम चंद्रमुखी राजसी बेगम पारा से लेकर अदम्य रज्जो तक उनकी बहुमुखी प्रतिभा को कोई नहीं जानता आज जब हम चौवनवें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सिनेमा में उत्कृष्टता को फिर से परिभाषित करने वाली प्रतिभाशाली करिश्माई अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं तो हम प्रशंसा से भर गए हैं एक असाधारण उत्सव यात्रा एक चिरस्थाई विरासत को श्रद्धांजलि लोगों ने एक्ट्रेस की तारीफ भी की और कहा कि वह इस अवार्ड की हकदार थी उपयोगकर्ताओं में से एक ने लिखा एक पूर्ण आइकन और कालातीत सुंदरता अनुग्रह और प्रतिभा का प्रतीक अच्छी तरह से योग्य मान्यता एक अन्य यूजर ने लिखा ओह माई माधुरी मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं जिस तरह से उन्होंने वर्षों से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और जिस तरह से उन्होंने खुद को विवादों से दूर रखा है मुझे वह बहुत पसंद आया सम्मान है और भी अधिक मेरी बचपन की यादें उनके नृत्य और अभिनय से भरी हुई हैं